कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मकानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। जी हां, सरीला क्षेत्र के महामहेश्वरी धाम भेड़ीडांडा में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार द्विवेदी की मौजूदगी में ग्राम में टीम लगाकर घरों को सैनिटाइज किया गया। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क वितरित किए गए व लोगों से इस महामारी से बचने के लिए उपाय भी बताए गए। सभी से घर में रहने की व मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। और दूसरी ओर ग्राम पंचायत जलालपुर कोपरा के ग्राम प्रधानों के द्वारा भी गांवों को सैनिटाइज किया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। साथी से हमें ढककर रहना है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर गांव में दिखाई देता है तो तुरंत अपने थाना प्रभारी जलालपुर व अपने ग्राम प्रधान जी को सूचित करो। गांव के जो लोग बाहर दिल्ली गुजरात मुंबई मध्य प्रदेश कहीं भी काम करने गए थे, अगर वह लोग गाँव आते हैं तो घर वाले अपने घर में न आने दो। पहले जांच करवाएं और 14 दिन तक अलग रहे या ग्राम प्रधान थाना अध्यक्ष को सूचित करो। ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। सभी दुकानदार भाई ध्यान दो, दुकानों पर भीड़ न इकट्ठा होने दो, एक एक करके सौदा दो। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का पालन करो। सार्वजनिक स्थानों पर न थूको, ऐसा करने पर कानून अपराध है। आपको धारा एक में मास्क वितरण कर रहे हैं एवं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पूरे दुनिया में अभी सभी को विदित है कि पूरे संसार में पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी से पूरा संसार ग्रस्त है और हमारे भारत पे भी कोरोना ने पांव फैलाना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनज़र देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना को रोकथाम के लिए जो पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया था, तब इसके बाद अब पुनः उन्होंने 19 दिन का लॉकडाउन किया है, क्योंकि जान है तो जान है। इस जिंदगी के जीवन के लिए उन्होंने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, लोगों को सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए संदेश दिया है। मेरा यही सभी से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है और मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह है और जो भी नियम कानून बनाए गए हैं लॉकडाउन में, उनका पालन करें।